किसानों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का महाराष्ट्र के विदर्भ है। राहुल आज 15 किलोमीटर की किसान पद यात्रा करेंगे। वह देश भर में किसानों तक पहुंच बनाने के लिए कई राज्यों का दौरा कर रहे हैं। नेपाल में लगातार भूकंप के झटके लग रहे हैं। रात 10:46 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 4.0 रही। नेपाल में मरने वालों का आंकड़ा 5,310 तक पहुंचा है। सिर्फ बुधवार को ही कई जगहों से 100 से ज्यादा शव निकाले गए। जैसे जैसे मलबे हटाए जा रहे हैं, मृतकों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। नेपाल में चल रहे राहत कार्यों में अखिलेश सरकार ने जो कि पूरी ताकत। यूपी सरकार ने अब तक 6,000 लोगों को बाहर निकाला। राहत कार्यों के लिए 200 बसों को लगाया गया। आतंकी घुसपैठ को लेकर खुफिया एजेंसी ने यूपी सरकार को किया अलर्ट। राहत बचाव पहुंचाने की आड़ में आईएम सिमी कर सकते हैं घुसपैठ। नेपाल सीमा से सटे 7 जिलों को किया गया अलर्ट। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा कि भारत के साथ अच्छे पड़ोसी संबंध की पाक की गंभीर इच्छा को उनके अनुरूप प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है। उन्होंने एक तुच्छ मुद्दे को लेकर द्विपक्षीय गतिरोध के जारी रहने को उसके लिए जिम्मेदार ठहराया। फ्रेंच मैगजीन शार्ली अब्दो के कार्टूनिस्ट लुज ने कहा है कि वह अब पैगंबर के कार्टून नहीं बनाएंगे। लुज ने मैगजीन दफ्तर पर हुए हमले के बाद शार्ली अब्दो के कवर पिक्चर के लिए पैगंबर का कार्टून बनाया था। बारिश के बाद मलबा आने से चमोली बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। बद्रीनाथ धाम और यात्रा पड़ावों पर करीब 3,000 तीर्थयात्री फंसे। बीआरओ यात्रा मार्ग को खोलने में जुटा। आज उत्तराखंड रोडवेज बसों का चक्का जाम रहेगा। मोटरयान एक्ट से संशोधन और नए प्रस्तावित कानून से नाराज रोडवेज कर्मचारियों का 24 घंटे का हड़ताल। हड़ताल से करीब 2.25 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान। सभी बस स्टैंडों पर यात्री परेशान। अमरोहा में एक शादी समारोह में उस समय अफरातफरी मच गई जब दूल्हे के रिश्तेदार ने दूल्हे पर ही ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें 4 लोग घायल हो गए जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। फरुखाबाद के नगला नादी में किसान धर्मपाल ने अपनी जीवन लीला खत्म करने की कोशिश की। पहले आलू के भाव गिरने से भारी नुकसान हुआ, वहीं बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं और मक्का की फसल बर्बाद हो गई। कानपुर में डॉक्टर की लापरवाही के चलते मासूम का पूरा शरीर दवा के रिएक्शन से पूरी तरह से झुलस गया। मामला मधुलोक अस्पताल का है। आईसीयू में मासूम की हालत गंभीर बनी हुई है। जालौन की उई कोतवाली के नया पटेल नगर से गायब दो सगी बहनों का पुलिस 4 दिन बाद भी पता नहीं लगा पाई है। दोनों लड़कियों के पिता ने डॉक्टर राजपूत पर आरोप लगाया है कि वहां पुलिस पर भी आरोपियों को बचाने का आरोप है। उत्तर प्रदेश के जंतु उद्यान मंत्री एसपी यादव भी नेपाल के दांग जिले में भूकंप पीड़ितों का हाल जानने पहुंचे। इस दौरान मंत्री ने पीड़ितों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को जाना। देवरिया के सलेमपुर में बहने वाली घाघरा नदी के किनारे खेती करने वाले किसानों के साथ नई मुसीबत आ गई है। नदी में जलस्तर बढ़ने से नदी के उस पार खेती करने किसानों की तैयारी फसल को घर तक लाने किसी चुनौती से कम नहीं। हरदोई के सदर तहसील में सूबे के राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने गरीबों को पट्टा आवंटन के प्रमाण पत्र दिए। गांव आशा में 105, कुरसेली में 44, लगवाही में 21 और नेवादा में 24 निर्धनों के बीच पट्टा बांटे गए। इलाहाबाद के तेज बहादुर बेली अस्पताल में मरीजों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। एक तरफ इमरजेंसी वार्ड में मरीजों का इलाज चल रहा है तो वहीं दूसरी ओर चीफ फार्मासिस्ट अपनी बाइक लेकर इमरजेंसी वार्ड के ठीक बगल में स्थित फार्मासिस्ट ड्यूटी कक्ष तक पहुंच गया। देवरिया में चिटफंड कंपनी गरीबों का लाखों रुपए लेकर रफ चक्कर हो गई। कंपनी का चक्कर लगाकर लोग हार गए, जिसके बाद कोतवाली में के एजेंट के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने गए। बुलंदशहर में शहीद जवानों के विधवाएं नेपाल में भूकंप से पीड़ित लोगों की मदद के लिए दिन रात एक कर पानी की बोतलें तैयार कर रही। महज 2 दिन में करीब 10,000 पानी की बोतलें तैयार कर चुकी हैं। उधम सिंह नगर जिले के सीमांत तहसील खटीमा में मिट्टी के अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है। खनन माफिया प्रशासन के नाक के नीचे खुलेआम उपजाऊ जमीन और वन क्षेत्रों में मिट्टी का अवैध खनन कर रहे हैं। बौराड़ी और नई टिहरी में आवारा कुत्तों ने एक महिला और 8 बच्चे समेत 17 लोगों को हमला कर घायल कर दिया। वहीं 5 की हालत गंभीर होने की वजह से उन्हें देहरादून रेफर कर दिया गया है। अल्मोड़ा के सोमेश्वर तहसील में नक्सलियों के पर्चे मिलने से हड़कंप मच गया। इस पर्चे में माओवादियों ने शराब भ्रष्टाचार और जनविरोधी व्यवस्था को हथियार के बल पर हटाने जैसी कई आपत्तिजनक बातें लिखी गई हैं। रणबीर कपूर अनुष्का शर्मा अपकमिंग फिल्म बॉम्बे वेलवेट का प्रमोशन करने रियलिटी शो इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 6 के सेट पर पहुंचे। दोनों स्टार्स ने यहां जमकर मस्ती की। करीना कपूर का मोम का पुतला मैडम तुसाद में लगा हुआ है, लेकिन अब करीना का एक और स्टैचू लगा है सिंगापुर के एक म्यूजियम में। सिंगापुर में करीना के कई फैंस हैं।
दीपिका पादुकोण ने एक इवेंट पर कहा कि रणवीर सिंह सिर्फ दोस्त हैं, इस बात से शायद रणवीर सिंह का दिल टूट ही जाए। सलमान खान इन दोनों कुछ ज्यादा ही व्यस्त हैं और वो परेशान भी हैं। इन सबके बीच सलमान खान ने कश्मीर की एक विधवा महिला की फैमिली की जिंदगी सुधारने का नेक फैसला कर एक बार फिर सभी का दिल जीत लिया है।